नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीटेट जुलाई। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर आप सबके लिए गुड न्यूज है वो आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में एग्जाम डेट के बारे में। आपकी जो एग्जाम डेट है दोस्तों, वो क्या रहने वाली है, कब तक आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो आयोजित हो जाएगी, और दोस्तों आपके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सारे टॉपिक पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट जरूर देखना। साथ में दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीटेट से संबंधित आपको डेली इस चैनल पर अपडेट है वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार आयोजित होती है, एक आपकी जुलाई में होती है, एक आपकी दिसंबर में आयोजित होती है। लेकिन दोस्तों आपकी 2020 की बात करूँ तो एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई जुलाई के लिए, और मांगे गए थे मार्च में, लेकिन उसकी जो परीक्षा है वो हुई थी 31 जनवरी को, क्योंकि दोस्तों कोरोना व लॉकडाउन के कारण 2021 में आपकी जो परीक्षा हुई थी। अब मैं बात कर लेता हूँ, क्या 2021 में भी कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन है दोस्तों, आपका ऑनलाइन फॉरम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी होगा वो दोस्तों आपका मई के सेकंड वीक में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मई के सेकंड वीक में, यानी कि 15 मई तक आपका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों जारी हो जाएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे दोस्तों, और जून तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अब जून तक दोस्तों आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, तो इसके बाद जुलाई में एग्जाम होगी। तो दोस्तों मैं बता दूँ, जुलाई में आपकी एग्जाम नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो CBSE बोर्ड कराता है, और CBSE बोर्ड दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जो है 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर दोस्तों यहाँ पर अभी पूरा उन पर वर्क लोड है। दोस्तों अभी 10th का रिजल्ट तैयार करना है, और इसी के साथ दोस्तों उन्हें यहाँ पर जो है 12th की परीक्षाएं भी करवानी है जून में। तो ऐसे में आपकी जो परीक्षा जुलाई में आयोजित नहीं होगी। आपकी जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है दोस्तों, जो अपडेट के अनुसार, वो रहने वाली है अक्टूबर और सितंबर में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर और सितंबर में आपकी जो एग्ज़ाम है वो कराई जा सकती है, क्योंकि अगस्त तक दोस्तों जो विशेषज्ञों का कहना है कि हालात सुधर जाएंगे कोरोना से, और सितंबर अक्टूबर में आपकी परीक्षा करा सकते हैं दोस्तों। अगस्त के लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस रहेगा सीटेट को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपकी जो सीटेट में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे CBSE बोर्ड के द्वारा, वो क्या बदलाव हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, इस बार आपके पेपर थर्ड को शामिल किया जाएगा, जिसमें कि आप 9 से 12 तक के कैंडिडेट को पढ़ाने के योग्य माने जाओगे। जी हाँ दोस्तों, 9 से 12 तक के पढ़ाने के लिए आपके लिए पेपर थर्ड, अब तो सिर्फ पेपर फर्स्ट और सेकेंड होते थे, लेकिन अब पेपर थर्ड को शामिल किया जाएगा, ये इसमें बदलाव रहने वाला है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता होगा, 150 नंबर का आपका पेपर आता है, इसमें से जनरल कैटेगरी वालों को 90 नंबर जो है पासिंग मार्क चाहिए होते थे, तो दोस्तों वहाँ पे 85 पर उनको सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। अदर कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो इनमें दोस्तों आपको बता दूँ, इनमें जो 82 पर जो क्वालिफाइड माना जाता था, अब 77 पर, यानी कि -5 नंबर इसमें कम किए जाएंगे, और ये किस आधार पर किए जाएंगे, वो है नई शिक्षा नीति के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा पॉलिसी आई है दोस्तों, उसके आधार पर जो है इसमें बदलाव किए जाएंगे, पेपर थर्ड को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहें, और पेपर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से किन्हीं 2 एग्ज़ाम को आप एक साथ दोस्तों दे सकते हैं, 3 एग्ज़ाम को आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये आपका प्रोसेस रहेगा दोस्तों। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो जाएगा, इसी सप्ताह में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होती तुरंत अपडेट करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।